नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। हेलो, डॉक्टर श्याम है? जी नहीं, वो तो मद्रास गए हैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में। देखिए, उनके डैडी का एक्सीडेंट हो गया था, अब उनकी तबीयत कैसी है? एक्सीडेंट के दूसरे दिन ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं डॉक्टर श्याम की पत्नी बोल रही हूँ। उनके लिए कोई मैसेज? जी जी नहीं। वकील साहब, आपकी फाइल। और हमारी फीस? रात को नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों? नहीं। अरे राधा जी, आप आइए आइए। इतने दिन कहाँ गायब हो गई थी? चला चलो भाई, अब आप दोनों सहेलियां जम के बातें करो। तो रमा जी। हाँ जी। तो फीस तो खैर कोई बात नहीं, कल मैं डबल फीस वसूल कर लूंगा। शर्म भी नहीं आती इनको, चला। तो रमा, हाउस मैरिड लाइफ ट्रीटिंग है? अरे क्या बताऊं, दिन चांदी के, रातें सोने की। मुझे मालूम नहीं था शादी के बाद जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है। अच्छा, फिर तो तेरी शायरी में भी चार चांद लग गए होंगे। क्यों? बिल्कुल नहीं, एक ताजा शेर सुन। सुना। मेरे मरने के बाद, मेरे जलाने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, कहीं ऐसा ना हो वो भी जल जाए जो मेरे दिल में रहते हैं। वाह, बहुत अच्छे रमा। अब तो हमारा मिलना कभी कभी होगा। क्यों? मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैंने चंडीगढ़ भी छोड़ दिया है, आजकल मैं कश्मीर में रहती हूँ। कश्मीर में? ये सब अचानक कैसे बदल गया? अरे हाँ, एक बात याद आ ही रहा था। क्या? वो तेरा आशिक था ना, डॉक्टर श्याम, उसकी शादी हो गई। अच्छा अच्छा, इतना छोटा सा? अच्छा, क्या बात है राधा, सब खैरियत तो है? राधा, आपके श्रीनगर के दोनों टिकट कंफर्म हो गए हैं। गुड। और पहलगांव में होटल रिजर्वेशन भी हो गया है। थैंक यू, मैंने डॉक्टर भंडारी को समझा दिया है, कोई भी इमरजेंसी हो मुझे फोन कर देना। यस सर। ओके ओके डॉक्टर श्याम, हैव अ नाइस हॉलिडे विद भाभी। थैंक यू, बाय बाय। ओके सर। हेलो हेलो, आपका क्या नाम है बेटे? दिपेंसी। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है। प्यार से मुझे मम्मी डॉली भी बुलाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है। आप तो बिल्कुल डॉली लगती है मिस दिपेंसी। आप बिल्कुल हमारे पापा जैसे लगते हैं। अच्छा, आपके पापा जैसे? हाँ, पापा जैसे। क्यों जी, कुछ दाल में काला तो नहीं है? अगर दाल में कुछ काला होता तो बर्फ के इस उजले गांव पहलगांव में तुम्हें लेकर नहीं आता। वैसे मिस दिपिंती, इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? अपने घर। आइए ना अंकल, मैं आपको अपने पापा की तस्वीर दिखाती हूँ, आइए ना। मिस दिपिंती, अभी तो हमें कहीं जाना है। क्यों? अरे बच्ची कह रही तो हो, आइए ना। डॉली, कहाँ है आपका घर? सामने। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं, आइए। आप हो आइए, मैं सामने की दुकान से कुछ मैगजीन खरीद लेती हूँ। ओके चलिए मिस दिपंती, चलिए। वो रही मेरे पापा की तस्वीर। और अंकल, वो रही मेरी मम्मी की तस्वीर। आइए ना अंकल, आइए।
है ना बिल्कुल आप जैसी। कहीं आप भी तो मेरे पापा नहीं है अंकल? बोलिए ना अंकल प्लीज। बेटे हम तुम्हारे पापा जैसे अंकल हैं। तुम्हारी मम्मी कहाँ? काम पे गई है। अंकल मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा, क्या है आपका नाम? हमारा नाम श्याम है बेटे। श्याम? बिल्कुल मेरे पापा जैसे नाम। मम्मी कहती थी पापा एक बार चले गए फिर वापस ही नहीं आए। पापा लोग बहुत गंदे होते हैं, है ना अंकल? हाँ बेटे शायद। जब मैं ऐसा बोलती तो मम्मी मुझे बहुत डांटती है। अच्छा? हाँ लेकिन मम्मी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, बस पापा नहीं लाते थे। अच्छा बेटे अब हम चलते हैं, फिर मिलने आएंगे। आओगे ना अंकल? हाँ बेटा। चलिए मैं आपको छोड़ आती हूँ, आइए। बाय बाय अंकल। बाय बेटा। बाय बाय आंटी। बाय डॉली। देखा है तस्वीर? तुम्हारी तो नहीं है? बच्चे भी खूब होते हैं। चलो मम्मी। मम्मी मालूम है आज सुपेर को मुझे पापा जैसे अंकल मिले थे। पापा जैसे? हाँ। देखो डॉली कोई भी अंकल इस दुनिया में तुम्हारे पापा जैसे नहीं हो सकते, समझी? नहीं मम्मी वो सचमुच पापा जैसे थे और उनका नाम भी था श्याम। फिर मैं उनको घर पे लाई, आपकी और पापा की फोटो दिखाई, फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया आपकी तरह। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। अभी देती हूँ। कहीं आप भी तो मेरे पापा नहीं है अंकल? बोलिए ना अंकल प्लीज। मम्मी वो सचमुच पापा जैसे थे और उनका नाम भी था श्याम। लेकिन मम्मी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती, बस पापा नहीं लाते थे।